हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी आर्ट्स। और आज हम आई बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और आप देख पा रहे हो कि मैं आई के जिस जिस एरिया पे डार्क है उसे मैं डार्क लाइटली कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम इसे शेड कर लेंगे, वो भी लाइट प्रेशर के साथ, HB पेंसिल का, नहीं तो फिर मैकेनिकल पेंसिल से ही हम कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करूँगा शेड करने के लिए। सो गाइस, अब हम यहाँ पर शेड कर लेंगे। आपको ऑब्जर्व करते हुए शेड करना है, किस साइड लाइट है और किस साइड डार्क एरिया है उसे ऑब्जर्व करते हुए शेड करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं शेड कर ले रहा हूँ हल्का सा लाइट प्रेशर के साथ। आपको भी ठीक ऑब्जर्व करते हुए भी शेड करना है। और उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे ब्रश से। गाइस, अब यहाँ पे मैं डार्क एरिया को ऑब्जर्व करते हुए डार्क कर रहा हूँ ठीक मैकेनिकल पेंसिल से। और ये डार्क होने के बाद आप देख रहे हो कि मैं किस तरीके से नोटिस करते हुए ऑब्जर्व करते हुए डार्क करते जा रहा हूँ। ठीक, आपको भी उसी तरीके से ऑब्जर्व करना है और जिधर जिधर डार्क है उधर डार्क करते जाना है, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक, आपको भी इसी तरीके से करना है। गाइस, यहाँ पर अब मैं ब्रश का इस्तेमाल करके उसे ब्लेंड कर लूँगा। और ब्लेंड करने के बाद आप देखोगे कि बहुत स्मूथ टेक्सचर आएगा। गाइस, अब यहाँ पर ब्लेंडिंग पूरा हो गया है। और अब मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ करके और ऑब्जर्व करते हुए मैं उस एरिया को डार्क करूँगा जिधर पूरा ब्लैक दिख रहा है। ठीक, उसी तरीके से आपको भी करना है ऑब्जर्व करते हुए, और मैं भी ऑब्जर्व करते हुए ही करता हूँ किस साइड डार्क है और किस साइड लाइट एरिया है। आपको बस ऑब्जर्व करना है और उस एरिया को डार्क करना है। ठीक, मैं कर रहा हूँ जिस तरीके से। अब हम आई बॉल देखते हैं और आई बॉल पूरे डार्क है। ठीक, उसी तरीके से हम भी उसे डार्क करेंगे ऑब्जर्व करते हुए। और पूरा डार्क करने के बाद फिर अब उसके बाद हम उसे ब्लेंड कर लेंगे। गाइस, अब आई के ऊपर जो लाइंस होती है उसे हम डार्क कर लेंगे ऑब्जर्व करते हुए। आप देख रहे हो पिक्चर में कि किस तरीके से वो आई डार्क है। ठीक, उसी तरीके से हमें भी डार्क कर लेना है। और उसके बाद फिर जिस साइड हल्का हल्का लाइट एरिया है, डार्क एरिया है सॉरी, उस साइड हम डार्क करेंगे। मैं तो फिलहाल HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी इसके जगह पे 2B पेंसिल नहीं तो 3B पेंसिल का यूज़ करके आप उसे और थोड़ा डार्क कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ इसीलिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करके। और अब फिलहाल मैं ब्लेंड कर लेता हूँ जिस जिस एरिया को डार्क किया है। ब्लेंड करने से कैसा है, स्मूथ टेक्सचर मिलता है, तो इसीलिए मैं उसे ब्लेंड कर लेता हूँ। आप आई देख पा रहे हो कि उसकी आई कैसी है और मैंने ड्रॉ किया है और मेरी आई कैसी है। थोड़ी थोड़ी मैच होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी मैच होती है, पर थोड़ी थोड़ी मैच होती है। अब उसके आई के नीचे आप देख पा रहे हो किस तरीके से हल्का हल्का डार्क एरिया है। तो फिर मैं फिर से मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके उसे डार्क कर लेता हूँ और ब्लेंड कर लेता हूँ। आप देख पाओगे कि ठीक उसकी उसी जैसा दिख रहा है सेम टू सेम। इसमें ज़्यादा गाइस कुछ करना नहीं रहता, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है किस साइड डार्क है और किस साइड लाइट है। और पेंसिल बस आपको पता होना चाहिए कौन सा पेंसिल किस टाइम पे यूज़ करते हैं हम। ठीक, उस तरीके से आपको भी यूज़ करते हुए ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपका सही रहेगा तो आप गाइस कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। मुझे भी टाइम लगा सीखने में, मैं भी बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था और आज फाइनली मैं ऐसा ड्रॉ कर पा रहा हूँ। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है। अब मैं टॉम्बो इरेजर का यूज़ करके
जिस साइड लाइट एरिया है उसे मैं लाइट कर लेता हूँ हल्का हल्का, जिससे थोड़ा रियलिस्टिक दिखे। तो आप देख पा रहे हो उसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।